आज है 29 अप्रैल और आज हम लोग आए हुए हैं पूर्वांचल के रॉयल सिटी के एक प्रोजेक्ट पे। पूर्वांचल रॉयल सिटी प्रोजेक्ट है, ये आपका ग्रेटर नोएडा में पड़ता है और इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे राहुल जी से, जो हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा और बताएंगे। हाँ तो राहुल जी बताएं। ये हमारा प्रोजेक्ट पूर्वांचल रॉयल सिटी ग्रेटर नोएडा चाई 5 सेक्टर में है। ये हमारा नोएडा सेक्टर 150 के एडजस्टेंट है। दूसरा सबसे अच्छा इसका जो लोकेटेड है प्रॉपर्टी, दो एक्सप्रेसवे बीच में एडजस्टेंट है प्रॉपर्टी, ये यमुना एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे एंड नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस। अच्छा, गुड गुड। और फिर अपने हम इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं पूर्वांचल रॉयल सिटी की। ये हमारा 22.5 एकड़ की प्रॉपर्टी है। 22.5 एकड़ में से हमने जो फर्स्ट फेज जिसमें हम खड़े हुए हैं प्रेजेंट में, फर्स्ट फेज जो कि हमारा रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है और सारा आप जैसे ही देख रहे हैं इसका प्रोजेक्ट, हमने यूरोपियन स्टाइल में ये प्रोजेक्ट अपना बनाया हुआ है। इसमें जो यूएसपी की हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है यूएसपी की, जो एमिनिटीज हैं वो है हमारा क्लब। क्लब है हमारा 1 लाख स्क्वायर फीट एरिए में। क्लब में हमारा मिनी प्लेक्स है 50 सीटर, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, पार्टी हॉल हमारे इतना अच्छा बनाया हुआ है कि 800 लोगों की हम गैदरिंग कर सकते हैं। पार्टी हॉल के बाद हम देखते हैं उसमें ओल्ड एज एक्टिविटी, मतलब अच्छे अच्छे फीचर्स दिए हैं। सैटरडे संडे डांस एंड म्यूजिक क्लासेज हैं और टीचर्स। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट अपने स्टेप पे आते हैं तो सोसाइटी के अंदर हमने प्ले स्कूल भी बनाया हुआ है। प्ले स्कूल के साथ साथ डे केयर भी दे रहे हैं। गुड गुड। सोसाइटीज के लिए मतलब फीचर्स काफ़ी अच्छा है हमारा। और आपका 24/7 सिक्योरिटी? और वो तो सर हमारा पूर्वांचल का इसमें भी है, नेक्स्ट जो ओल्ड प्रोजेक्ट बनाए उसमें भी हमारा फीचर तो स्टैंडर्ड है पूर्वांचल। और जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यूरोपियन स्टाइल पे बना हुआ है और काफ़ी सारा ओपन स्पेस है। और सबसे जैसे कि हम जिस विंग में अभी खड़े हुए हैं हमारा 3 BHK का है। ओके, अगर हम फर्स्ट फेज की बात करते हैं, फर्स्ट फेज में हमने 22.5 एकड़ से 15 एकड़ में 11 टावर बनाए हुए हैं। 11 टावर में 6 टावर हमारे 3 BHK के हैं, 5 टावर हमारे पोडियम कॉन्सेप्ट का 4 BHK का हमने बनाया हुआ है। और ये सब आपके रेडी टू मूव है? रेडी टू मूव है। ओके, रजिस्ट्री के साथ? यस। ओके, और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं काफ़ी अच्छा ये प्रोजेक्ट है पूर्वांचल का और काफ़ी रिप्यूटेड बिल्डर रहे हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इनके डिलीवर हो चुके हैं, काफ़ी टावर्स डिलीवर हो चुके हैं। अगर नोएडा ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो ये दिस इज़ वन ऑफ द बेटर प्रोजेक्ट्स दैट आर देयर। अभी हम लोग देखेंगे इसके कई सारे फीचर्स भी हैं, हम लोगों ने आपने देखा होगा वीडियो में शुरुआत में जैसे हमने फ़ोटोज़ में दिखाया आपके, एक बहुत ही बढ़िया एयर फाउंटेन है और ये आपका बीच में अंडर कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा चल रहा है, एरिया बना रहा है, ये एरिया प्ले एरिया है। ओके ओके ओके। और इसमें आगे देखते हैं, ये फाउंटेन मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये फाउंटेन इसी प्रोजेक्ट का पार्ट है। काफ़ी ठंडा एटमोसफियर है, ये गजीबोज़ हैं, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, खेलने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। तो ये टोटल कितने एरिया में है हमारा सर? ये प्रोजेक्ट तो 22.5 एकड़ का था, पर फर्स्ट फेज हमने 15 एकड़ में जिसमें हम अभी हैं। ओके, 15 एकड़ का फर्स्ट फेज है हमारा। ओके, ये सारा है फर्स्ट फेज में आपके आ जाता है। और ये पीछे जैसा आप देख सकते हैं छोटा सा आपका स्कूल भी है। यस। ओके, और आपके लैम्प्स पाथवेज, चाहे आपका यंग जनरेशन हो या चाहे ओल्ड जनरेशन हो, काफ़ी सारी एमिनिटीज़ यहाँ पे दे रखी हैं। और अब हम लोग चलेंगे अंदर की तरफ, इमरान साहब हैं जो कि यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं सेल्स वगैरह, ये उनसे हम लोग थोड़ा सा और जानकारी लेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर। तो अब हम लोग आए हुए हैं इमरान साहब के पास इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए, पूर्वांचल का ये प्रोजेक्ट है। तो इमरान साहब बताएं इस प्रोजेक्ट के बारे में। जी शुक्रिया। हम लोग का प्रोजेक्ट पूर्वांचल रॉयल सिटी एक्चुअली ये है 22 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसको हम दो फेज में बना रहे हैं। फेज वन हम लोगों का है जिसमें हम लोग 11 टावर्स कवर कर रहे हैं और रेडी टू मूव इन है फेज वन हम लोगों का। फेज टू हम लोगों का मार्च 2023 में पोजीशन होगा फेज टू का, जो हम लोग 11 टावर्स बना रहे हैं जिसमें से 6 टावर्स हम लोग की 3 बेडरूम और 3+ सर्वेंट रूम टाइप के फ्लैट्स हैं और जिसमें जो मिनिमम एरिया है हम लोग का 3 बेडरूम का वो है 1725 स्क्वायर फीट
then 1735 square feet, then 1970 square feet. 1970 square feet में servant room additional है, तो ये 6 towers identical हैं, इसमें ये 3 types की combination है, बाकी हम लोग podium height पे अलग segmentation करोगे 4 bedroom का, जिसमें हम लोग 5 towers बना रहे हैं, या बन चुकी हैं 5 towers, जिसमें 3 towers हम लोग की है A1 category की, जिसमें area है 3210 square feet की है, का और हम लोग का दूसरी जो category है, जो smaller size है हम लोग का वो है A2 कैटेगरी का 4 बेडरूम का एरिया है 2505 स्क्वायर फीट उसमें 4 बेडरूम सर्वेंट रूम्स में भी है बाकी सेकंड फेज में हम लोगों की 3 कैटेगरी है 3 टाइप्स के फ्लैट हैं जो सबसे छोटा है सेकंड फेज में है 1815 स्क्वायर फीट का फिर 1825 स्क्वायर फीट का और फ्रंटल दो यूनिट हम लोगों की जो पार्क फेसिंग है वो है हम लोगों की 2075 स्क्वायर फीट का जिसमें एक सर्वेंट रूम एडिशनल तो इस तरह के कॉम्बिनेशन है इसके अलावा हम लोगों का जो मेन यूएसपी भी है इस प्रोजेक्ट की वो है क्लब एरिया तकरीबन 1,00,000 स्क्वायर फीट एरिया है हम लोगों का क्लब का जिसमें हम लोग दो हाफ ओलंपिक साइज और विद किड्स पूल ये 3 पूल्स बना रहे हैं उसके अलावा हम लोगों का सारी मॉडर्न एमिनिटीज है किसी भी एमिनिटी का अपना नाम है सारी ही क्लब में ऑलमोस्ट है जैसे कि जिम सोना बाथ स्टीम बाथ कम्युनिटी हॉल वगैरह वो सारी चीजें हैं जो हम लोग पहले भी रेगुलर बेसिस पे पिछले प्रोजेक्ट्स में देते हैं लेकिन इसमें जो एडिशनल है जैसे कि हम लोग का 50 सीटर हम लोग का एक मिनी प्लेक्स है वो हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फर्स्ट टाइम इसमें उसके अलावा हम ई लाइब्रेरीज हैं योगा सेंटर्स हैं कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स भी आएंगे तो इस तरह की मॉडर्न एमिनिटीज सारी हम लोग को जो है इस क्लब एरिया में मिल जाएंगे इसके अलावा एक हम कॉमर्शियल प्लस स्टूडियो करके एक टावर्स जो अभी लॉन्च नहीं हुआ है वो भी आएगा फेज टू में ही जिसमें तकरीबन हम लोग की 80 शॉप्स हैं और स्टूडियोज हैं तो इस तरह से हम लोग अगर देखें तो डेली नीड्स की सारी चीज़ें यहीं मिल जाएगी और एक बात और है इसी में हम लोग का एक प्राइमरी स्कूल की भी बिल्डिंग है वो भी इसी प्रीमाइजेस के अंदर है 3-3 एंट्रीज हैं 4 साइडेड ओपन है प्लॉट चारों तरफ रोड है 24 मीटर की कनेक्टिविटी अच्छी है पीछे से एक रोड डेवलप हो रहा है जो 150 सेक्टर को कनेक्ट करेगा जिससे कनेक्टिविटी और मजबूत होगी और जिससे ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा का जो मेन जो जंक्शन है वो ऐड होने के बाद इसकी अप्रिसिएशन का इसको और बढ़ जाता है ऑलमोस्ट आप इसको नोएडा में कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ग्रेटर नोएडा का ये पहला सेक्टर है और वो रोड कनेक्ट हो जाने के बाद ऑलमोस्ट आप 150 सेक्टर से इसको कंपेरिजन में ला सकते हैं और कहीं ना कहीं वो इसको दिखाता है कि इसका अप्रिसिएशन इन फ्यूचर ज़्यादा पॉसिबल है उस रोड की कनेक्टिविटी के बाद अच्छा ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये जो फर्स्ट फेज है इसमें क्या प्राइसिंग है सेकंड फेज की क्या प्राइसिंग है फेज वन में हम लोग का बीएसपी जो है वो है 4350 पर स्क्वायर फीट और सेकंड फेज में हम लोग जो हम लोग का भी जिसका मार्च में प्रदर्शन होना है उसकी बीएसपी हम लोग की है 3485 पर स्क्वायर फीट मार्च 2023 जी ये लेकिन फेज टू में हम लोग के दो प्लान हैं एक तो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है सीएलपी जिसे कहते हैं दूसरा है हम लोग का सबवेंशन प्लान ये कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान का बीएसपी 3485 रुपये अगर कोई ऑप्ट करता है सबवेंशन प्लान तो 350 रुपीज़ उसके सबवेंशन प्लान के ऐड हो जाएंगे ओके सो इमरान साहब ये प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आई होप हम लोग जो है इसका ब्रोशर वगैरह इसको फॉरवर्ड कर देंगे सो थैंक यू वेरी मच और अब हम लोग चलेंगे टूवर्ड्स द फ्लैट सो लेट्स मूव ऑन ओके तो अब हम लोग आए हैं पूर्वांचल रॉयल सिटी के एक 4 BHK के फ्लैट में और आगे हम लोग को इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे फरहान साहब तो फरहान साहब ज़रा सा इस फ्लैट के बारे में बताएं बहुत खूबसूरत फ्लैट है ये ग्रीटिंग्स मैं जैसा कि इमरान सर ने बताया मेरा नाम है फरहान और मैं पूर्वांचल ग्रुप में मार्केटिंग टीम से हूँ और मैं आपको हमारे वन ऑफ द प्रीमियम फ्लैट्स के बारे में बताऊँगा ये 4 BHK यूनिट है इसमें सर्वेंट क्वार्टर साथ में है और इसमें फैमिली लाउंज डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया बिल्कुल सेपरेट हैं एल शेप में बनाया है ये बीच में डिवाइड दिया गया है फॉर मॉडर्न लोग के लिए ओके ये इसका किचन आ जाता है जो मॉडर्न किचन के साथ दे रहे हैं इसमें आपको कैफे स्टाइल ग्रेनाइट मिलता है सिटिंग एरिया या सिटिंग एरिया इसके आगे ये बालकनी से कनेक्टेड है यूटिलिटी एरिया है ये हमारा वेरी नाइस इसको खोल सकते हैं यस श्योर ये आपका किचन हो गया पूरा और ये आप लीड करता है यूटिलिटी एरिया की तरफ और ये
काफ़ी ह्यूज बालकनी है आपके लिए। ये पूर्वांचल जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये इसका एक बहुत बढ़िया फीचर रहता है, इन लोगों की हर फ्लैट में बालकनी बहुत अच्छी रहती है, रनिंग बालकनीज रहती है। 25x4.11 इसका डायमेंशन है। वेरी बहुत काफ़ी स्पेशल बालकनी है और ये कनेक्ट होती है 7 रूम से। ओके, सो अंदर से ही एक्सेस। काफ़ी स्पेशियस है आपका। नाइस, ये आपका बहुत ही स्पेशल सर्वेंट रूम है और ये आपका बाहर से 8x10 इसका डायमेंशन। ओके, दिस इज आउटसाइड एक्सेस और सर्वेंट। ओके, आउटसाइड एक्सेस, अटैच वॉशरूम, टॉयलेट बाथरूम आपका पूरा है। ये पूरा टाइल्ड रहेगा जी? ये सर्वेंट क्वार्टर जी, टाइल्ड। ओके ओके, डिफॉल्ट। और जैसा कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है, ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट इन लोगों ने दिया हुआ है और ये वाला मेरे हिसाब से फ्लैट सबसे लार्जेस्ट है हमारे। हम ऑफर कर रहे हैं पेंट हाउस आल्सो, वो टॉप फ्लोर पे है, इससे बड़े डुप्लेक्स है। ओके, 5000 स्क्वायर फीट में है। ओके ओके, 1151 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो अभी हम लोग वापस अंदर चलते हैं आगे देखने के लिए। तो ये आपके मॉड्यूलर किचन क्या स्टैंडर्ड रहेगा? 4 BHK अपार्टमेंट में स्टैंडर्ड। ओके, सो ये काफ़ी स्पेशियस आपका डाइनिंग स्पेस हो गया और आपका ये मेरे हिसाब से पैंट्री के लिए जगह दी हुई है। यू कैन हैव अ बिल्ट इन पैंट्री ओवर हियर। और ये आपका हो गया ड्राइंग रूम। दिस इज पूजा रूम। ओके, यू कैन यूज इट फॉर पूजा रूम आल्सो। ओके ओके ओके, ओके फैमिली लाउंज। ओके ओके, फैमिली लाउंज है। फैमिली लाउंज हो गया और इधर आपका फॉर्मल ड्राइंग। ओके, लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस काफ़ी बेहतरीन है। लिविंग के साथ आपका बालकनी आ जाती है। अगेन द सेकेंड बालकनी। ओके ओके, ये स्टोर रूम है आपका? दिस इज स्टोर। ओके, डिसेंट साइज स्टोर। कॉमन वॉशरूम है। अच्छा, ये दोनों बेडरूम के लिए? ये बेडरूम के लिए, दिस साइड वाले बेडरूम के लिए और ये हॉल के लिए। ओके ओके, सो वो गेस्ट को अगर यूज़ करना हो तो ये वाला वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। ये सारी टाइल्स वगैरह स्टैंडर्ड रहेंगी? स्टैंडर्ड है, ये कंपोनेंट जो है आपके जैगवर के हैं और हैंडवेयर हैं जैगवर के। आपके जितने बाथरूम के फिटिंग्स हैं वो हैं, काफ़ी अच्छी टाइल्स हैं और फ्लोर टू सीलिंग टाइल्स रहेंगी। सो अब ये दूसरा रूम हो गया, इसके साथ भी आपका अटैच टॉयलेट बाथरूम है। सारे डिसेंट साइज हैं, वैनिटी मिरर्स नहीं दिए हैं, ये दिया हुआ प्लेटफॉर्म दिया हुआ है और ये कर्टेंस वगैरह स्टैंडर्ड नहीं होंगे आई होप जी। अच्छा, और ये वुडवर्क भी आपका एडिशनल है? ये स्टैंडर्ड में नहीं आता है। ये स्टैंडर्ड नहीं है, एडिशनल। ओके, स्पेस दी होगी यहाँ पे ना? हाँ जी, हाँ स्पेस। बहुत डिसेंट साइज है, काफ़ी अच्छा है। और ये दूसरी बालकनी, ये क्या कंटिन्यूस है? कॉमन बालकनी है आपका दूसरे दो रूम्स के लिए। ओके, तो ये आपका बाहर फेस करता है। हाँ जी, इसको देख सकते हैं? सो टोटल इसमें दो बालकनी दी हुई है जी। बालकनीज हॉल में भी है। ओके, एक ये बालकनी होगी। ओके, एक मास्टर बेडरूम में बालकनी है। ओके, अच्छा, फोर बालकनी फोर बेडरूम्स। और ये आपका डक है? इन हाउस प्रोवांचल का ये? हाँ, इन हाउस है, प्रोवांचल स्कूल है। ओके, इन हाउस स्कूल। अच्छा, हाँ, हम लोगों को बताया था इन हाउस स्कूल होगा। तो ये स्कूल अभी स्टार्टेड है या शुरू होने वाला? ये जून में, जून समर वेकेशन ख़त्म होते ही जून एंड में। ओके, स्कूल स्टार्ट। ओके, सो नाइस लोकेशन। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं मास्टर बेडरूम का क्या हाल है। ये आपका मास्टर बेडरूम में वुडन टाइल्स हैं और ये बहुत ही बड़ा मास्टर बेडरूम है। 18x12 इसका साइज है। नाइस, और ये वुडन फिनिश्ड टाइल्स। ओके ओके, बेसिकली पूर्वांचल जो है एक टाइम के एक प्रोजेक्ट करता है। ओके, और इससे पिछले प्रोजेक्ट से एक सीख लेता है। ओके, कि कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो वुडन फ्लोरिंग पानी की वजह से
फूल जाती है, तो ओके वुडन फिनिश टाइल्स यूज की काफी, तो वुडन टाइल्स हैं। और ये आपका क्लोजेट एरिया है, क्लोजेट एरिया ड्रेसिंग एरिया कह लीजिए, ये क्लोजेट आपको मिलेंगे नहीं, ये आपको बनवानी पड़ेगी उससे, लेकिन बहुत ही स्पेशियस जगह है, यहाँ पे आप अच्छी खासी क्लोजेट आप बनवा सकते हैं अपना सारा सामान रखने के लिए, क्लोथ्स ज्वेलरी सब यहाँ। और ये मास्टर बाथ जी, ओके नाइस, ये बहुत ही काफ़ी स्पेशियस मास्टर बाथ है, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डुअल वैनिटी की जगह है, दिया नहीं हुआ है, सिंगल वैनिटी दिया हुआ है, और वॉशरूम, और यहाँ पे आप चाहें तो टब भी लगा सकते हैं, बाथटब आराम से आ जाएगा इसमें। सो ऑल इन ऑल अ वेरी नाइस बाथरूम, नाइस फिनिशिंग, और इसके साथ बालकनी, ये बहुत अच्छा है कि ये जो मास्टर बेडरूम की बालकनी है ये आपकी पार्क फेसिंग है, ये आपका पार्क फेसिंग बालकनी हो गई, इधर भी है, इधर आपका स्कूल और आपका प्ले एरिया है बच्चों का, और ये पूरा प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, ये पूर्वांचल का प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, सारी एमिनिटीज़ आपको यहीं पे मिल जानी है, नाइस। ये आपके सॉकेट्स वगैरह सारे इलेक्ट्रिकल फिटमेंट स्टैंडर्ड रहेंगे, ओके। तो जैसा कि हमने देखा अभी शाम का समय हो रहा है और बहुत ही खूबसूरत धूप है, और हम लोग पूर्वांचल के रॉयल सिटी को कवर कर रहे हैं, एंड अभी ये अच्छा एक बेडरूम रह गया था, चार बेडरूम है, हमें लगा तीन उधर रहें, एक और ये है, ओके सेकंड मास्टर बेडरूम, ओके नाइस, वेरी नाइस, इसके साथ भी आपका काफ़ी बड़ा आपका शॉवर वॉशरूम एरिया सब है, और इसके साथ भी व्यू बहुत अच्छा मिलता है। और ये मेरे हिसाब से यूटिलिटी बालकनी है, किचन से जो अटैच है, इसमें हम लोग पहले जिसमें आ चुके हैं, खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, और अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल प्रॉपर्टी डीलर इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हम लोग का चैनल है www.youtube.com/propertydealerinfo, और हम लोगों का वेबसाइट का नाम है www.propertydealer.info, यूट्यूब चैनल है youtube.com/propertydealerinfo, वेबसाइट का नाम है propertydealer.info, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, अगर आपको पसंद आया तो हमें कांटेक्ट करें, इसकी डिटेल्स के लिए हम लोग डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल्स दे देंगे, और जो नेक्स्ट फेज़ होगा ये फेज़ तैयार होगा 2023 तक, ये करंट फेज़ है जो कि आपको रेडीली अवेलेबल है, ये ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट बाई पूर्वांचल डेवलपर्स, सो साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर।